जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी, आपकी राय बाजार पर ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखें तो चार दिन की गिरावट के बाद आज एक्सपायरी वाले दिन आपको निफ्टी में एक हरा निशान देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में? यह निशान हरा ही रहेगा या कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी यहां से भी, और आपके दो ट्रेड्स आज के लिए? देखिए, अंडर करंट तो काफी स्ट्रांग देखने में मिल रहा है आज के दिन में। मेरा मानना है कि जब कल डेरिवेटिव डेटा की बात कर रहे थे तब भी मैंने यही कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 11,500 का है। अगर ये कंसिस्टेंटली होल्ड करता है तो एक पुलबैक रैली तो बनती है, और पुलबैक रैली करीबन 11,600 से लेकर 11,650 ये लेवल्स रहेंगे। ये बहुत क्रूशल है क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि अगर ये सपोर्ट्स होल्ड कर जाते हैं, सॉरी ये जो पहले के सपोर्ट्स है वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करते वापस यू टर्न लेते तो मार्केट का माहौल वापस एक बार खराब हो जाएगा। पर अगर ये 11,650 निकल जाता है तो एक बेयर ट्रैप बनता नजर आएगा। तो अभी भी कहना थोड़ा सा डाइसी है, पर अंडर करंट स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि रेंज अभी 11,500 11,600 ये है पहला रेंज, इसमें ही देखना पड़ेगा। आज की एक्सपायरी की लेवल देखते हैं तो मेरा मानना है कि 11,675 से 11,600 ये लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए एक्सपायरी पे निफ्टी पे। मेरे दो ट्रेड्स जो है दोनों फार्मा काउंटर्स में देखने को मिल रहे हैं। फार्मा काउंटर एक सेफ हेवन देखने को मिल रहा है। मैं सवेरे से देख रहा हूँ, कई स्टॉक्स रेकमेंड हो चुके हैं, पर ये स्टॉक जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ये अलग ही है, टॉरेंट फार्मा। मेरा मानना है कि ये बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। इसने डेढ़ महीने का कंसोलिडेशन का नेकलाइन तोड़ दिया है। एंड ऑफ डे एनालिसिस पे अगर देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता नजर आ रहा है। उसका टारगेट बहुत बड़ा है, 1720 का है, पर आज के लिए मेरा मानना है कि 1695 के लेवल से, यानी इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए। मैंने जब ये स्टॉक दिया था तब ये 1655 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 1664 है, तो मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। 1555 का स्टॉप लॉस रहेगा अभी 10 रुपए नीचे, और आपको 1595 के टारगेट्स के लिए बाय करके चलना चाहिए, यही हमारी राय है। दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क में भी हमने देखा है काफी अच्छी अंडरकरंट देखी है, पिछले 3 दिनों से इसमें अपमूव देखने को मिल रही है, तो इधर भी स्टॉप लॉस 450 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 464-468 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। पर दोनों में अगर चॉइस दे तो मैं और टॉरेंट फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। जादव साहब, आपकी राय इंडिगो पर? कोई भी आप चार्ट पैटर्न देख लीजिए, वहां पे आपको एक बहुत गहरा लाल निशान देखने को मिल रहा है। स्टॉक लगभग 5 दिन से लगातार लाल निशान में है, आज 7% गिरा हुआ है 1300 रुपए के नीचे, 200 डीएमए के पास पहुंच चुका है। क्या राय रख रहे हैं आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर, क्योंकि प्रमोटर्स की जो फिलहाल जो झगड़ा है वो अब पब्लिक डोमेन में आ गया, सेबी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो कहां तक लगता है आपको ये स्टॉक सपोर्ट लेगा? देखिए, इंडिगो हमने हमारे क्लाइंट्स को कल जब ये पैनिक हुआ था और उसके बाद रिकवरी हुई थी तब हमने 1360 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोला था, वो आज ट्रिगर हो गया है। तो मेरा मानना है कि अभी मैं सपोर्ट्स नहीं देख रहा हूँ, मैं शायद हमने एग्जिट का कॉल दे दिया है, और वापस एक बार नीचे जब आएगा तब हम एक बार रिव्यू ले लेंगे। अभी नेक्स्ट सपोर्ट का रेंज है 1150 से लेके 1080, तो ये लेवल्स आने के बाद हम रिव्यू ले लेंगे। पर अभी के लिए मैं मानता हूं कि ये न्यूज के चलते ये चार्ट पैटर्न थोड़ा सा वीक हो गया है और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, तो इधर से बाहर निकलने की सलाह होगी। स्टॉक प्राइस में आपको कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा, और इसकी जवाब देंगे जाधव साहब। शेर जी, 115-116 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो इसके नजदीक अगर आता है तो बाय करके ही चलना चाहिए। वैसे नजदीकी 119 ही है, तो 110 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह है, और ये मीडियम टर्म आउटलुक से बाय करना है। ये जो इंडिगो का प्ले है इसको अगर आप जैसे अभी आकलन कर रहे थे उसका अगर फायदा लेना है तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इधर से आपको वापस एक बार अगर महीना दो महीने देते हैं तो 148-150 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए, पर अगर साल का वक्त देते हैं तो साल है इसके ऊपर का वक्त देते तो मुझे लगता है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन और है ही नहीं। जल साहब, आप भी बिल्कुल मेटल से परे रहे आज? बिल्कुल सैन जी, ऑन अ लाइटर वीन, अगर मेटल्स से ट्रेड करना है तो आपको ट्रंप साहब से दोस्ती करनी पड़ेगी। ट्वीट करने से पहले हमें पता चल जाए तभी आपको एक सही दिशा मिल सकती है। और चार्ट पैटर्न भी देखते हैं ना, तो हिंडलको में भी अगर थोड़ा सा अपमूव आता है तो ऊपर से सेलिंग देखने को मिल रहा है। वेदांता में जो पहले मूव आया था उसमें पूरा का पूरा खाली है, तो मेरा मानना है कि जहां पे इंडेसिजननेस है उधर क्यों ट्रेड ले। जैसे चंदन जी ने भी अभी कहा कि फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छी बॉटम फिशिंग देखने को मिल रही है, तो उधर आपका ध्यान होना चाहिए, बैंकिंग स्टॉक्स में होना चाहिए, तो यही यही पे हमारा भी रुझान है।
इसके चार्ट्स क्या अब कमजोर हो रहे हैं किरण जी, और ये कहां तक नीचे फिसल सकता है? कोई ट्रेड लेना हो तो बताइएगा आरईसी पर। आरईसी पे मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, इधर कोई अभी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ, बल्कि मुझे लगता है कि अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि जो फॉल हमने पिछले तीन दिनों में देखा है करीबन 169 से 137 तक, ये काफी वर्टिकल फॉल है, और इस इतने फॉल होने के बाद जो कि बाउंस बैक आएगा तो जिन्होंने एवरेजिंग की है वो एग्जिट लेते नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि जब तक 146 के नीचे है तब तक मैं मानता हूँ कि 133 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, पर जिनको शॉर्ट पोजीशन लेनी है वो ले सकते हैं। किरण जी आप राय दीजिए एक्सिस बैंक पर, लगभग 820 रुपए से जो बिकवाली चल रही है, फिलहाल 770 रुपए के आसपास ये स्टॉक रुका हुआ है, क्या राय रखते हैं आप अगले 15 दिन के लिए? ठीक है, 762 कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसने पिछले ढाई महीने में करीबन तीन बार टेस्ट किया है और ये सपोर्ट होल्ड करते नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और बाउंस बैक में मुझे लगता है कि एक 795 796 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए अगले 5-10 दिनों के अंदर। तो जब तक 762 होल्ड करता है तब तक मैं न्यूट्रल व्यू रखूंगा, बायस थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। तो बैंक्स की चर्चा में यस बैंक को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि आज ये अपने डे हाई से 3.5% करेक्ट हो चुका है। आप देखिए इसमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ दिन एक दो दिन तो देखिए स्टेबल रहा, लेकिन अब इसने शुरुआत कर दी है गिरावट की। कैसे अप्रोच करते हैं किरण जी इस स्टॉक को, यस बैंक पर कोई व्यू आपका? यस बैंक बहुत सप्लाई देखने को मिल जाना चाहिए एट हायर लेवल्स 95 to 100, ये 100 रुपए एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल भी है। तो मेरा मानना है कि इधर ये क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा, तो मेरा मानना है कि ऑन हायर लेवल्स बेचने की सलाह होगी। अभी ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि वापिस एक बार 88-87 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, तो पहला सवाल यही 11550 पे खड़े हैं, 11500 या 11600 पहले सर? मुझे लगता है कि आज की एक्सपायरी के चलते जब अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं, ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, तो 11500 के नीचे जाने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि आज 26,77,000 ओपन पोजीशंस बढ़ती नजर आ रही है। वहीं पे अगर कॉल साइड में देखते हैं तो 11,650 में काफी बड़ी राइटिंग देखने को मिल रही है, तो इसी छोटे दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा ऐसा मेरा मानना है। क्लोजर के लिए मैं आज के निफ्टी क्लोजिंग के लिए मुझे लगता है कि 11550 से लेके 11575 इस रेंज में ही आपको क्लोजिंग देखने को मिल जानी चाहिए। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिलेगा, कई स्टॉक्स ऊपर जाएंगे कई नीचे, पर इंडेक्स यही के यही रहने की उम्मीद है। टेक महिंद्रा लिया है इन्होंने, टेक महिंद्रा पर क्या स्ट्रेटजी होगी किरण? थोड़ा आईटी में तो वीकनेस है इस समय, उन्होंने 690 का कॉल लिया है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है और टेक्निकली एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से बाहर निकलने की सलाह होगी। टेक्निकली जो 680 की लेवल है वो दो दिन पहले एक बार क्रैक की थी, पर आज डिसाइसिवली क्रैक की है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, और मुझे लगता है कि टेक्निकली ये 640 की ओर चलता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इस कॉल में जो कुछ है बचा हुआ है वो लेके चलना चाहिए। मुंबई वापस आते हैं अब, और निशांत त्रिवेदी साहब जुड़ते हुए। निशांत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछे। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी आपको भी गुड मॉर्निंग, और किरण जाधव जी आपको भी गुड मॉर्निंग सर। मेरी रिलायंस की एक 1300 की मैंने पुट कल बाय की थी मैंने 38 रुपीज में 5 लॉट, और एक आज भी मैंने फ्रेश पोजीशन बनाई, उसके बारे में मैं डिस्कस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, पहले रिलायंस कर ले, फिर फ्रेश पोजीशन किसी और स्टॉक पे है ना? नहीं निफ्टी पे है। हाँ तो पहले रिलायंस निपटा देते फिर उस पे आते हैं। ठीक है आप बने रहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अब इन्होंने खरीद लिया है पुट, और रिलायंस तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, खैर इस पे ज्यादा कमेंट्री नहीं। क्विकली किरण के पास, किरण रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्होंने पुट खरीद रखा है सर 1300 का जुलाई का, क्या करना चाहिए? आशीष जी बेसिकली ट्रेंड करेक्टिव है, इंटरमीडिएट ट्रेंड में है, पर हमें 1250-1245 एक डिमांड जोन है, जब तक ये क्रैक नहीं होता तो आपको डिसाइसिव डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि पुट में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा अनलेस 11500 डिसाइसिवली टूट जाता है, तो 11500 निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, और दूसरा
1250 निफ्टी सॉरी रिलायंस पे। तो ये दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। अभी पुट में कुछ नहीं है, अगर एक दो दिन रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, पर अगर ये रिलायंस 1295 के ऊपर या 1300 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो पुट से बाहर निकलने की सलाह होगी। तो किरण ठीक है ना स्ट्रेटेजी, फिर इसमें कोई इश्यू नहीं ना, कैरी कंटिन्यू करें इस ट्रेड के साथ 11600 का पुट जुलाई का? बिल्कुल 11600 का पुट लिया है, अच्छे स्ट्राइक प्राइस पे है, इन द मनी है तो ज्यादा अच्छा है। जनरली हम देखते हैं इस शो में बहुत आउट ऑफ द मनी लोग ले लेते हैं, सस्ते मिलते हैं ना सर, सस्ते वाला सस्ता ही रह जाता है, वही दिक्कत है, क्या करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी सही की है, पर 11500 को ध्यान से देखें, अगर 11500 टूटता है तो जल्दबाजी ना करें, यही इंपॉर्टेंट सलाह होगी। क्योंकि होता क्या है, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाते हैं, तो 11500 अगर टूटता है तो आपको 11400 11350 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए, तो अब ये पुट रहने दीजिए। लेता हूं किरण, टीसीएस का 2100 का कॉल है 51 रुपए पर, अब थोड़ा डाउन है वो, और आईसीआईसीआई बैंक का 420 का पुट, दो लॉट है वो, अब इनकी ग्रिप में है ट्रेड, तो क्या करें? अनुज जी आपने सही कहा, रिस्क फैक्टर तो थोड़ा सा है टीसीएस में, पर कल का बॉटम नहीं थोड़ा यही एक सूदिंग फैक्टर है, तो मेरा मानना है कि इधर से एक बाउंस बैक आ जाना चाहिए। टेक्निकली हमने हमेशा देखा है कि जब एक खराब रिजल्ट आता है तो एक पैनिक बॉटम बन जाता है, फिर एक बाउंस आता है और वही बॉटम टेस्ट करता है या इसके ऊपर का बॉटम टेस्ट करता है, यहाँ पे बहुत सारे बेयर ट्रेड्स आ जाते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखे, आपके कल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मेरा मानना है कि अगर ये लो नहीं टूटता है तो आपको कैजुअली 2172 कैश में भाव देखने को मिल जाने चाहिए। जहां पे ये लेवल्स के करीब आ जाते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जहां पे बात रही आईसीआईसीआई बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक में मेरा मानना है कि 420 का उन्होंने पुट बाय किया है, ठीक देखने को मिल रहा है, आज अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। जहां पे बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है रिलेटिवली, वहां पे आईसीआईसीआई बैंक इसमें थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक में और भी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए, पर 422 या 423 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, उनके जब नजदीक आता है तब एक बार रिव्यू ले लेना। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो मुझे लगता है कि 415-413 की बात करूंगा। जरूरी तो स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन वो 85-86 के लोज बनाने के बाद घूमा है ये स्टॉक, जब वो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई थी रिसेंट क्लैरिफिकेशन के बाद। किरण है तो बड़ा रिस्की ट्रेड, अभी ये रेस बैंक लग कैसा रहा है, ये 85-86-87 के जोन पे क्या थमने वाला है, यहाँ से बाउंस बैक की तैयारी है? हमने तो क्या करा 88.5 पे से शॉर्ट कर दिया है सर, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओ और डटे रहना चाहिए इस पोजीशन पे या नहीं? 88 से 890 ये लेवल है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड ट्रेड हुआ है, इधर बहुत सारे शॉर्ट कॉल्स आए थे, हर ब्रोकिंग हाउस से हर चैनल पे इस पे शॉर्ट कॉल्स आए थे, और मुझे याद है इसी वजह से इन्होंने शॉर्ट पोजीशन शायद ली होगी। तो मेरा मानना है कि ये जब तक टूटता नहीं तब तक न्यू लोज देखने में नहीं मिलेंगे और जल्दबाजी में नहीं आएंगे, इनको इनके लिए 97 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहने की सलाह है। पर अगर ये परसों का लो जो है 86.50 या ऐसा कुछ है वो अगर निकल जाता है तो एग्रेसिवली और शॉर्ट पोजीशन बनाने चाहिए, फिर मैं और नीचे यानी 80-77 ये टारगेट्स के बात करूंगा, पर अभी के लिए थोड़ा सा रिस्क है इस स्टॉक में। चल ठीक है किरण, रिलायंस में प्रॉफिट पर बैठे हैं, जो भी में अभी इस समय थोड़ा सा लॉस है, क्या एडवाइस होगी? जुबिलेंट में लॉन्ग पोजीशन है शॉर्ट पोजीशन में सुना ही नहीं? लॉन्ग पोजीशन है 1215 पर, लॉन्ग पोजीशन है, ये थोड़ी दिक्कत देने वाली बात है, अंडरटोन नेगेटिव है, और अभी अगर हम देखते हैं पिछले 5-6 महीने का ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं तो उसका सपोर्ट लेवल करीबन 1200 के करीब आ जाता है, तो ये उनका 1200 के नीचे का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए, यही मेरी सलाह होगी, अगर बाउंस बैक मिलता है तो बहुत अच्छा। और हमने इस स्टॉक में एक चीज देखी है कि रिजल्ट खराब आते हैं और उसके बाद एक बाउंस बैक आ जाता है, तो वो एक क्लियर करना है तो लॉन्ग पोजीशन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखनी चाहिए। रिलायंस एक एक करके जिंदल स्टील एंड पावर 147 की बाइंग है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो अच्छा खासा लॉस हो रहा है, और आज जब सारे के सारे मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मेरे ख्याल से यही एक स्टॉक है जो लाल निशान में दिग्गज में कामकाज करता हुआ नजर आएगा, इस तरह की वीकनेस है। तो पहले तो JSPL बताएं सर क्विकली।
जिंदल स्टील एंड पावर पे मेरा मानना है 147 बहुत ही थोड़ी देर पहले मैंने मेटल्स पे राय दी थी कि हायर साइड पे सप्लाई है, तो मेरा मानना है कि इधर लॉन्ग पोजीशंस काट लेने चाहिए। मुझे कोई एक बहुत बड़ी मूव नहीं देखने को मिल रही है, तो इधर बाहर जितना जल्दी निकल सके उतना अच्छा है। छोटा सा बाउंस बैक 134 तक आ सकता है, शायद रुक सकते हो, 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है एल एंड टी फाइनेंस में मेरा मानना है कि वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, ये भी लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा है, तो इधर भी बाहर ही निकल जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता इधर लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने पोजीशन लिए 130 में, तो इधर 124 है, इधर शायद रुक सकते हैं। मेरा मानना है कि इधर एक अंडर करंट है, इधर मेरा स्टॉप लॉस 122 का रहेगा, 124.50 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि 122 के करीब स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन है। अच्छा किरण, इस बीच आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हैं, आज के बेट्स क्या होंगे सर? देखिए दो काउंटर्स हैं जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए, एक तो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक में मुझे लगता है कि अच्छी खासी अंडर करंट देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। जहां पे टारगेट की बात है तो 15.10-15.20 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, अभी बढ़ चुका है, मैंने जब दिया था तो थोड़ा सा नीचे था, अभी मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपका 1483 के करीब होना चाहिए। दूसरा है एनआईटी टेक, यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। एनआईटी टेक काफी शॉर्ट काफी सेलिंग देखने को मिल रही है, सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूट चुके हैं, तो इधर मेरा मानना है कि 1305 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। 1280 एक अच्छा सपोर्ट है, ये निकल जाता है तो मेरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1265 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, काफी बड़ी डाउनसाइड। और तीसरा अभी अभी मेरे रडार पे आ रहा है वो अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में मुझे लगता है कि काफी अच्छी मंदी देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स की बात करें तो अभी 182.50 के करीब ट्रेड कर रहा है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 184.50 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि लेवल्स ऑफ 179 और 177 ये टारगेट्स आज ही देखने को मिल जाने चाहिए।